हेलो दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि 3D प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग जानने से पहले हमें 3D वर्ड के बारे में जानना होगा। 3D की डी का मतलब होता है डायमेंशन। जैसे पॉइंट एक जीरो डायमेंशनल बॉडी है, लाइन एक सिंगल डायमेंशनल बॉडी है, उसी तरह अगर हम किसी बॉडी में लेंथ, ब्रिथ और हाइट इन तीनों को मिला दें तो वो एक 3D बॉडी बन जाती है, जिसकी हमारे पास लेंथ होती है, एक हाइट होती है और एक चौड़ाई होती है। इसी तरीके से हम 3D बनाते हैं, जिसमें हम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमारी लाइफ में जितनी भी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 3D प्रिंटिंग से पहले हम 2D प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं, जो कि मेनली दो तरीके से प्रिंट करी जा सकती है, इंकजेट से और लेज़र प्रिंटर से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंकजेट कैसे काम करता है। इंकजेट प्रिंटर्स में हम एक लिक्विड टैंक या फिर लिक्विड इंक का यूज़ करते हैं, जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। इसको अप्लाई करने से पहले हम हल्का सा गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, जो जिस भी चीज़ में ये इंक स्टोर होती है उस इंक का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से अपने आप जो इंक होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। बाहर वो इंक पेपर के कॉन्टेक्ट में आकर जो भी प्रिंट करना हो उसे प्रिंट कर देता है। जो भी हमने कंप्यूटर से उसमें इनपुट दिया हो वो हमें लिखे हुए रूप में, आउटपुट के रूप में मिल जाता है। अब बात करते हैं लेज़र प्रिंटर्स की। लेज़र प्रिंटर किस तरीके से काम करता है, इसमें इंक की बजाय एक लेज़र होता है और चार्ज रोलर्स होते हैं। एक होता है हमारा फोटोकंडक्टर ड्रम और दूसरा होता है टोनर। टोनर एक पाउडर फॉर्म में होता है। फोटोकंडक्टर ड्रम जो होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब हम लेज़र उसके उस पार्ट पर, किसी भी ड्रम के किसी भी पार्ट पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो वाला पार्ट हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जहाँ जहाँ पर लेज़र गिरती है, जो भी हमें प्रिंट करवाना होता है वहाँ पर लेज़र गिरती है उसी शेप के उस पर, और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जो टोनर ड्रम होता है उसमें टोनर पाउडर के फॉर्म में होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होकर ये आपस में चिपक जाते हैं ड्रम के साथ। फिर ये ड्रम नीचे से घूमता हुआ जब नीचे पेपर के कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारा जो पेपर होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो ये पॉजिटिवली चार्ज टोनर है वो पेपर पे आके चिपक जाता है। हम पेपर को जो ड्रम होता है उससे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज करते हैं, जिस वजह से वो पेपर पे आकर चिपक जाता है टोनर पाउडर। और इसको गर्म कर हम इंक की फॉर्म में जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम आउटपुट में ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि 3D प्रिंटिंग कैसे काम करती है। 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट इनसे बिल्कुल ही अलग है। 3D प्रिंटिंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है हम कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो हम लेयर बाय लेयर करते हैं, लेयर बाय लेयर करी हुई मैन्युफैक्चरिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो बाकी फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ही अच्छी होती है। 3D प्रिंटिंग से पहले हमें उसका एक मॉडल चाहिए होता है कि हमें क्या प्रिंट करना है। थिंगवर्स एक ऐसी साइट है जहां पर आपको मोर देन 25,000 ऐसी मॉडल्स मिल जाएंगे जिसे आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको खुद का मॉडल बनाकर उसे प्रिंट करना है तो मेकरवेयर एक सॉफ्टवेयर है, 3D सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और 3D प्रिंटर को एक कमांड दे सकते हैं कि उसी चीज़ को वो प्रिंट कर दे। एक बार आपने कमांड दे दी कि आपको क्या प्रिंट करना है, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटर अपने आप सारे काम कर देगा। स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर वो एक स्टोर्ड प्लास्टिक से उसे मेल्ट करके मॉडल तैयार कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो स्टोर्ड प्लास्टिक है जिसको एक्सट्रूडर तक लेकर जाया जाता है। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है और ये प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है। ये मेल्ट होने के बाद नोज़ल के थ्रू बाहर निकलता है और लेयर बाय लेयर जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने कंप्यूटर से या फिर मॉडल में जैसी इंस्ट्रक्शन दी है उस हिसाब से लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को बनाता जाता है, एक लेयर के ऊपर एक, एक लेयर के ऊपर एक। और जैसे ही वो लेयर आती है मतलब नोज़ल से बाहर, वो ठंडी होकर बिल्कुल प्लास्टिक बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।